नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है सीवाय एस्ट्रोलॉजर में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंह लगन के जो जातक हैं उन लोगों के लिए सेकंड हाउस में राहु किस तरह के परिणाम देगा। सेकंड हाउस जो है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है, क्योंकि ये कुटुंब स्थान है, वाणी का है, धन संचय का है और कहीं ना कहीं जो है वो हमारी पारिवारिक वृद्धि का भी है। जैसे कि शादी होना, जिसमें परिवार की वृद्धि होती है, हम एक से दो हो जाते हैं, संतानें होना, यहाँ पे उन सब चीजों के बारे में हम आंकलन लगा सकते हैं। ये हमारा जो बैंक बैलेंस है, हमारी जो ज्वेलरी है, उन सब चीजों को दिखाता है। अगर और हमारा कुटुंब स्थान, अगर हम हमारी जन्म कुंडली में राहु कहीं अशुभ है तो हम अपने कुटुंब में लड़ाई झगड़ा करेंगे, जिसके कारण हमें संपत्ति यानी कि जो पैतृक संपत्ति है वो न मिले या फिर उसमें कोई ना कोई कांट जांट हो जाए। इस तरह के भी योग यहाँ पे बनाता है। अब राहु यहाँ पे जो सेकंड हाउस में कन्या राशि में बैठा है वो क्या क्या परिणाम दे सकता है और उसको हम परिणाम कैसे निकालेंगे हम अपनी जन्म कुंडली में, क्योंकि हर व्यक्ति की जन्म कुंडली अलग है, उसमें ग्रह अलग बैठे होंगे, नवमांश अलग होगा, दशमांश अलग होगा और कहीं ना कहीं राहु की डिग्रियां अलग होगी। जैसे कि मैं आपको उदाहरण बता देता हूं, राहु यहाँ पे कन्या राशि में बैठा है तो इसका जो मालिक है वो बुध है और बुध यहाँ पे 12वें घर में, आपकी जन्म कुंडली में कोई शुभ स्थान में हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि बुध यहाँ पे मिथुन राशि में बैठा हो तो बहुत अच्छा परिणाम देगा, क्योंकि बुध जो है वो यहाँ पे लाभ घर का मालिक है। अब बुध यहाँ पे सेकंड हाउस में इसके साथ बैठ जाए तो बुध और राहु के कारण जड़त्व योग तो जरूर बनता है, लेकिन यहाँ पे धन बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि वहां पे बुध उच्च का हो जाएगा, यानी कि राहु का जो राशि स्वामी है, क्योंकि राहु जो है उसकी कोई राशि नहीं है, जिस राशि में बैठ जाए उसी का वो स्वामी हो जाता है और राहु एक छाया ग्रह है तो जिस ग्रह की दृष्टि पड़ जाएगी उसकी जो है राहु परिणाम देगा। और राहु जिसके नक्षत्र में होगा, सबसे महत्वपूर्ण है नक्षत्र। यहाँ पे कन्या राशि में तीन नक्षत्र चलते हैं। सबसे पहले लग्नेश सूर्य का चलेगा यहाँ पे जो है वो आपका उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र, उसके बाद आएगा आपका चंद्रमा देवता का जो है वो हस्ता नक्षत्र और उसके बाद आएगा आपका यहाँ पे मंगल देवता का चित्रा नक्षत्र। तो इसमें सूर्य का नक्षत्र लग्नेश है तो बहुत अच्छा है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि राहु यहाँ पे बहुत अच्छे परिणाम दे सकता है। और दूसरा है यहाँ पे मंगल का नक्षत्र, तो मंगल भी जन्म कुंडली का सुख स्थान का मालिक है और नवम घर यानी कि उच्च शिक्षा, हमारा भाग्य, भविष्य और पिता का मालिक है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हमें लाभ होने के योग बन जाते हैं। हाँ, अगर मंगल के नक्षत्र में और मंगल 12वें घर में नीच का है तो आप जो है अपनी पैतृक संपत्ति नुकसान में कर लोगे, आप जो है वो अपने जो पारिवारिक जीवन है उसको बढ़ने नहीं दोगे, आपके पिता को, क्योंकि आपका पिता अगर ये नवा घर है तो 1, 2, 3, 4 यानी कि पिता की प्रॉपर्टी में कहीं ना कहीं अड़चने पैदा कर दोगे आप, जिसके कारण आपको जो भयंकर नुकसान हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको राहु के नक्षत्र के द्वारा बहुत ही अच्छी तरह से समझना है जैसे कि इसमें क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। राहु यहाँ पे अशुभ हो, अशुभ का मतलब इसका राशि स्वामी और नक्षत्र स्वामी अशुभ हो जाए या फिर जन्म कुंडली का कोई अशुभ ग्रह, जैसे शनि जन्म कुंडली में अशुभ है, चंद्रमा जन्म कुंडली में 12वें घर का स्वामी है वो अशुभ है, तो अगर वो राहु के साथ आ जाए तो जातक को गले के रोग दे सकता है, जैसे कि गले में जैसे कि वाणी दोष या फिर बहुत ही कर्कश आवाज और तीव्र बोलना, गुस्से में बोलना, लड़ाई झगड़ा करना या फिर जैसे कि गाली गलौज करना, बात बात पे जैसे कुछ लोग गालियां दे देते हैं, बात बात पे जो है वो लड़ाई झगड़े के लिए उतारू हो जाते हैं, इसका मतलब है कि सेकेंड हाउस में कहीं ना कहीं राहु दूषित है उनका। या फिर गूंगापन या हकलाहट, जैसे कई लोग हकलाते हैं बोलते हुए, तो वहां पे राहु बुध के नक्षत्र में होगा और बुध कहीं ना कहीं नीच का हो, जैसे 8वें घर में, तो इस तरह के परिणाम हो सकते हैं। बुध जो है वो शत्रु के साथ जैसे कि चंद्रमा के साथ हो जाए तो भी इस तरह के परिणाम हो सकते हैं। साथ में जातक के परिवार में कलेश, यानी कि राहु एक खंडित ग्रह है, वो कंप्लीट नहीं होने देता किसी चीज को, वो खुद अधूरा है तो अधूरा रखेगा, तो यानी कि आपका परिवार वृद्धि नहीं हो, या फिर परिवार में आपको जो है जैसे शादी लेट हो जाए, अब शादी हो गई तो उसके बाद संतानें लेट हो या हो नहीं, या फिर लड़कियां ही लड़कियां हो जाए, लड़के नहीं हो, इस तरह के भी संयोग यहाँ पे दिखा देता है। साथ में ये मारक स्थान है तो आपकी और आपकी पत्नी दोनों की जो आयु है उसको यहाँ पे कम करना या फिर उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करना या फिर स्वास्थ्य से संबंधित जो परेशानियां हैं वो यहाँ पे दिखा सकता है। अब हम इसे फलित कैसे करेंगे, देखिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि अगर आपको यहाँ पे जो है वो वैवाहिक जीवन से संबंधित फलादेश करना है तो आप नवमांश कुंडली में राहु की पोजिशन को और राहु के जो नवमांश पति है उसको जरूर देखिए।
दूसरा, यहां पे अगर आप जन्म कुंडली के अंदर कर्म, नौकरी और इनसे संबंधित संज्ञान लेते हो तो आप दशमांश कुंडली में जरूर देखें। साथ में राहु जिस राशि में बैठा है और राहु का राशि स्वामी जिस राशि में बैठा है, उन दोनों के पॉइंट जरूर देखें सर्वाष्टक वर्ग में। जैसे मैं आपको उदाहरण समेत बताता हूँ इस जन्म कुंडली को आधार बना के, आप जो मैं स्टेप्स बता रहा हूँ उनको अगर आप अपनी जन्म कुंडली पे अप्लाई करोगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ जरूर मिलेगा। जैसे यहाँ पे आप देखिए, अगर मैं दाम्पत्य सुखों की बात करता हूँ, पारिवारिक सुखों की, तो राहु यहाँ पे कन्या राशि में जिसका मालिक बुध जो है वो यहाँ पे चंद्रमा की राशि में 12वें घर में है। इसका मतलब क्या है कि जातक को यहाँ पे परिवार में दिक्कतें आएगी, यानी कि संतान होने में देरी हो या फिर एक या दो ही संतानें हो और उसमें भी लड़की होने के योग ज्यादा से ज्यादा रहेंगे। दूसरा यहाँ पे क्या होगा कि अगर मैं वैवाहिक जीवन की बात करता हूं तो बुध और राहु इन दोनों को आपको नवमांश कुंडली में देखना है, तो नवमांश कुंडली में 5वें घर में चला गया राहु और बुध, तो जातक के प्रेम संबंध होने के योग बनते हैं, जातक का लव मैरिज होने का भी योग बन सकता है, क्योंकि 5वां घर अच्छा है और उसमें वो अपने मित्रों की राशि में, क्योंकि बुध जो है वो शनि का कोई शत्रु नहीं है और राहु तो शनि का भक्त भी है और शनि जो है वो राहु के गुरु भी हैं और एक तरह से दोनों के दोनों जो है वो दानव प्लेनेट है, तो पंचम घर में कुंभ राशि में जाने से यहाँ पे बहुत अच्छा राजयोग बन जाता है राहु का और बुध इसके साथ है, यानी कि इसका नवमांश पति बुध है और दोनों का जो मालिक है यानी कि कुंभ राशि का जो मालिक शनि है वो लग्न में बैठा है तो यहाँ पे शत्रु राशि में, लेकिन लग्न में सूर्य के साथ बैठा है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जातक के यहाँ पे प्रेम में संतान में कमी नहीं आएगी। हाँ, लेकिन संतानें यहाँ पे जो है वो लड़कियां होने के या डिले में जो संतानें यानी लेट संतान होने का योग जरूर बनेगा। आप अपनी जन्म कुंडली में इसको फलित करें। अगर बुध यहाँ पे नीच का हो जाता है 8वें घर में तो फिर आपको संतान में और विवाह में भी बहुत ज्यादा अड़चने आएगी, आपको प्रेम संबंधों में चोटें लग सकती है, प्रेम संबंधों में आपको कोई जो है वो शारीरिक शोषण भी कर सकता है और आपको जो है वो मूर्ख बना सकता है, आपकी ब्लैकमेलिंग तक कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे बुध जो है वो नीच का 8वें घर में हो जाता है, तो क्योंकि बुध लाभ घर का भी मालिक है तो आपका लाभ पूरा का पूरा खा जाएगा वो व्यक्ति। जैसे कई बार आपने देखा है कि आप प्रेम के चक्कर में किसी लड़की या लड़के से विवाह करते हैं और बाद में वो गलत निकल जाते हैं और आपसे जो है वो कोर्ट केस के द्वारा बहुत ज्यादा धन प्राप्ति ले लेते हैं, तो यहाँ पे इस तरह के योगों को आप समझ सकते हो। अब अगर यहाँ पे राहु जो है वो सबसे पहले सूर्य के नक्षत्र में हो यानी कि उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में, तो सूर्य लग्नेश है और अगर सूर्य अच्छा बैठा है, जैसे इस जन्म कुंडली में आपका लाभ घर में गुरु के साथ मित्र के साथ बैठा है, तो इसका तात्पर्य कि ये राहु आपको हर तरह से लाभ देगा, यानी कि नौकरी में भी लाभ देगा, काम धंधे में लाभ देगा, आपका पारिवारिक वर्दी में लाभ देगा, शादी के अंदर अच्छे लाभ देगा, क्योंकि यहाँ पे इस तरह के योग में, जैसे यहाँ पे राहु जो है वो उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में है जो सूर्य बहुत अच्छा बैठा है और नवमांश कुंडली में सूर्य जो है वो वर्गोत्तम है, क्योंकि वहां पे भी मिथुन राशि में और यहाँ पे भी मिथुन राशि में, तो बहुत अच्छा परिणाम दे रहा है। अगर आप नवमांश कुंडली की सीरीज सीखना चाहते हो तो हमारा इस YouTube चैनल पे एक बहुत अच्छी वीडियो सीरीज है जिसके द्वारा आप सीख सकते हो। अब इसके बाद अगर राहु जो है वो अपने हस्त नक्षत्र में हो यानी कि चंद्रमा के नक्षत्र, चंद्रमा द्वादशेष है, यहाँ पे राहु जो है वो कहीं ना कहीं नुकसान करेगा जातक को, तो कन्या लग्न वालों के लिए यही सबसे मेन पॉइंट है। अगर यहाँ पे चंद्रमा है और 12वें घर में है तो आपको यहाँ पे क्या होगा कि अपने घर से दूर रहना, कुटुंब में परेशानी, शादी नहीं होना, आपका जो बैंक बैलेंस है वो खराब कर लोगे आप, आपके जो पिता की प्रॉपर्टी होगी उसको आप कहीं ना कहीं यूज करोगे और उसको फिजूल में जो है वो खर्च कर दोगे, कोई यूज नहीं हो पाएगा आपका। इस तरह के संयोग में आप अपनी ज्वेलरी या जो भी आपने बैंक बैलेंस बनाया वो आपको पता ही नहीं चलेगा कब खर्च हुआ कैसे हुआ, अपने आप ही खर्च हो जाएगा, वो नॉर्मल चीजों में ही खर्च हो जाएगा। यहाँ पे चंद्रमा अगर नीच का हो जाता है चतुर्थ भाव में तो आप पैतृक संपत्ति की लड़ाई झगड़े के योग बना लोगे आप, और इसके अलावा अगर चंद्रमा 8वें घर में चला जाए, 6ठे घर में चला जाए, तो यहाँ पे भी आपको दाम्पत्य सुख में कमी, संतान सुखों में कमी और मानसिक तनाव, क्योंकि चंद्रमा 6ठे और 8वें घरों में मानसिक पीड़ा देता है, जातक डिप्रेशन में आ जाता है, चाहे वो शादी के तौर पे हो, चाहे वो वैवाहिक जीवन में, जैसे वैवाहिक जीवन में भयंकर अड़चने पैदा हो या फिर संतान नहीं हो या संतानें अच्छी नहीं निकले, नालायक निकल जाए, क्योंकि वो कुटुंब भाव है, तो वो अगर 6ठे 8वें से जुड़ेगा तो जातक को तनाव आएगा कि यार मेरी संतान अच्छा रिजल्ट नहीं ला रही, तो इस तरह से आपको यहाँ पे देखना है अगर वो चंद्रमा के नक्षत्र में। यहाँ पे अगर राहु मंगल के नक्षत्र चित्रा में आ जाता है तो आपको लाभ है, वो डिपेंड करेगा अगर मंगल उच्च का है या अच्छा है, जैसे मान लीजिए मंगल नीच का है तब तो बुरे परिणाम, अगर मंगल 6ठे घर में उच्च का है तो आपको अच्छी नौकरी मिलेगी, आपको जो है वो पुलिस या फिर आर्मी या कोई ऐसी कोई सर्विसेज है
जैसे कि खुफिया सर्विसेज है जैसे सीबीआई, सीआईडी, इनकम टैक्स, तो उनमें भी आपको अच्छे परिणाम मिलने के योग बनते हैं। यहाँ पे मंगल आठवें घर में आने से जो है वो अपनी दृष्टि से राहु को देखता है, तो अंगारक दोष टाइप का एक योग बन जाता है जिसमें लड़ाई झगड़ा होना, उत्तेजित ज्यादा होना और कहीं ना कहीं बात बात पे लोगों से लड़ाई झगड़ा करना, या इस तरह की श्रेणी में भी आप आ सकते हो। तो वो डिपेंड करता है कहीं ना कहीं ग्रहों की अच्छी पोजिशन से। अगर आप इस राहु को सेकंड हाउस में राहु बैठा है कर्म भाव से देखना चाहते हो, तो यहाँ पे हमने नवमास में देखा तो ये तो संतान के लिए तो अच्छा दे रहा है, और इसके नवमास पति को भी जरूर देखें। अब अगर आप D10 चार्ट में जाते हो तो राहु यहाँ पे बुध की राशि में है, तो बुध जो है वो सप्तम घर नवम घर में शुक्र के साथ है, तो बहुत अच्छा है। इसका मतलब क्या है कि कर्म में राहु जो है वो लाभ देगा। अब राहु का जो नक्षत्र सूर्य है वो जन्म कुंडली के अंदर मंगल के साथ सेकंड हाउस में बैठा है, तो यानी कि यहाँ पे भी शुभ हो रहा है। इसका तात्पर्य क्या है कि यहाँ पे हमें लाभ हो रहा है। अब राहु की पोजीशन देखते हैं तो राहु बुध की राशि में है और पांचवें घर में। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये समझने वाली बात कि पांचवा जो ग्रह है वो हमारे कर्म के लिए अच्छा नहीं माना गया है, तो हमारी गुणवत्ता इंटेलिजेंस ही है, लेकिन अगर हम अपने कर्म के हिसाब से देखते, क्योंकि अगर हमारा ये जो कर्म दसवां घर है तो पांचवा घर उसकी मृत्यु है। जैसे जोड़ लीजिए आप यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, यानी कि इसके दसवें घर का आठवां है मृत्यु है। तो राहु अगर हम कर्म के हिसाब से देख रहे हैं तो आठवें पांचवें घर में जा रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारे बैंक बैलेंस को कम करेगा। है बुध की राशि में तो हमारा बैंक बैलेंस खत्म तो नहीं होगा, लेकिन वो हमारा धीरे धीरे कम जरूर करेगा। और इसका जो मालिक है वो बुध अच्छा है, इसका मतलब है कि आपको यहाँ पे जैसे कि ये ऐसा सिचुएशन आपके सामने आएगा, आपको इसको ऐसे समझ सकते हो कि आपकी 2 साल नौकरी बहुत अच्छी चली या 5 साल बहुत अच्छी चली, उसके बाद आपको 1 साल तक नौकरी नहीं मिली या नौकरी में अड़चने आई, आपने कम पैसों में काम किया, तो आपका जो सेविंग्स थी वो कहीं ना कहीं खर्च होने लगी। और उसके बाद मान लीजिए कि जैसे 5 साल नौकरी रही बहुत अच्छी चली, उसके बाद 1-1.5 साल नहीं लगी, उसके बाद में आपने ली, उसके 2-3 साल अच्छी चली, उसके बाद आपको बाद में अड़चने, तो इस तरह की दिक्कतें आपके सामने आ सकती है। अब राहु पे जिसकी दृष्टि होगी उसके परिणाम भी राहु जरूर लेगा। जैसे कि इस कुंडली में अगर हम देखते हैं तो राहु के ऊपर गुरु 1, 2, 3, 4, 5 नहीं है, केतु के सातवीं दृष्टि हम लेंगे नहीं, तो राहु के ऊपर किसी की दृष्टि है। राहु एक छाया ग्रह है, तो जिसकी दृष्टि आएगी उसके परिणाम लेगा। साथ में आपको अपनी दशा अंतरदशा के द्वारा भी देखना है। अब अगर हम सर्वाष्टक वर्ग में देखते हैं तो राहु जो सेकंड हाउस में है 24 पॉइंट लगा रहा है, यानी कि हम ये कहते हैं कि धन भाव में पॉइंट ऑलमोस्ट ठीक है, ज्यादा कम नहीं है तो ज्यादा अच्छे भी नहीं है। और राहु का जो राशि स्वामी बुध है उसके 12वें घर में 18 पॉइंट है, इसका मतलब है कि यहाँ पे कमी ला रहा है, तो हमारा जो सेटलमेंट है, क्योंकि यहाँ पे सेकंड हाउस में राहु तो हमारा सेटलमेंट कम होगा, जैसे कि वैवाहिक जीवन में कमी आना, संतानों में कमी आना, या फिर हमारा जो बैंक बैलेंस अच्छा नहीं होना जिसके कारण हम बार बार नौकरियां व्यापार बदल रहे हैं, तो इस तरह की दिक्कतें हमें आती है। तो ऐसे जातक को क्या उपाय करने चाहिए? ऐसे जातक को जो है वो राहु के संपूर्ण बीज मंत्र करने चाहिए। राहु के लिए जो है वो हनुमान जी के हनुमान चालीसा रोज पढ़ने चाहिए, सुंदरकांड का जाप करना चाहिए, गली के जो आवारा कुत्ते हैं उनको जो है वो दान पुण्य करें, अपंग आश्रम है, अंधे आश्रम है, कुष्ठ आश्रम है, उनमें कुछ दान पुण्य करें। साथ में जो है वो यहाँ पे राहु के बीज मंत्रों को साथ जो है वो एक यंत्र बनाइए, या फिर अपने गले में राहु का छोटा सा यंत्र चांदी की चेन में धारण करने से भी हमें बहुत अच्छा लाभ मिलता है। अगर राहु शुभ है तो इसका रत्न गोमेद चांदी की अंगूठी में पहनो तो आपको बहुत अच्छा लाभ यहाँ पे मिलेगा। तो इस तरह से आप राहु के फलादेश कर सकते हैं। किसी भी तरह की जन्म कुंडली है उसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है जिससे कि आपको परिणाम बहुत अच्छे मिल जाएंगे। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं, अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।